तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि विंटर में अपने प्लांटेड एक्वेरियम को या फिर फिश टैंक को किस तरीके से केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपना ड्रेस जो है चेंज कर दिया है, मैंने भी हुडी लगाया है, तो हमें ठंड लग रही है, तो क्या फिशेस को भी प्लांट्स को भी इस ठंडे से इफेक्ट होता है? तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि विंटर में अपने एक्वेरियम का किस तरीके से ख्याल रखना है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रॉ एक्वा वर्ल्ड। मैंने सारे पॉइंटर्स को लिख लिया है कि क्या क्या चीज मुझे इस वीडियो में कवर करना है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा ना हो, छोटा ही रहे, क्रिस्प हो और आप लोगों को सारी चीज समझ में भी। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आप कौन से शहर में रहते हैं, किस रीजन में रहते हैं, इंडिया के किस रीजन में रहते हैं, या फिर अगर आप आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो आप जिस शहर में रहते हैं उसका टेम्परेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने शहर की अगर बात करूँ तो मैं रांची झारखंड में रहता हूँ, रांची में कितना टेम्परेचर हो जाता है, तो यहाँ पे मिनिमम 2-3 तक चला जाता है कभी कभी, तो ये शहर का टेम्परेचर इतना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रूम टेम्परेचर भी इतना हो, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ठंडा या विंटर हमारे फिश और हमारे टैंक को, हमारे प्लांट्स को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं और क्या एक्चुअल में इफेक्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग दो तरीके का एक्वेरियम, मतलब एक होता है फिश टैंक, एक होता है प्लांटेड एक्वेरियम, ये दोनों का टेम्परेचर टोटली अलग है, इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। फिश टैंक अगर है तो उसका आइडियल टेम्परेचर जो है, जो एक रेंज होना चाहिए टेम्परेचर का, वो होना चाहिए 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, मैं सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, फारेनहाइट की नहीं। तो फिश टैंक का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, 26 से 28। अगर कोई डिजीज है तो वो टेम्परेचर चेंज होगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि ठंडे में अगर फिशेस को कुछ प्रॉब्लम होता है तो किस तरीके से हम लोग क्योर करते हैं और किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि फिश टैंक अगर है, आपके पास एक टैंक है जिसमें केवल फिश है, कुछ स्टोन्स है, कुछ बबल्स वाले टॉयज है, तो वो फिश टैंक हुआ। तो उस टैंक को हमें कितना टेम्परेचर रखना है ठंडे में, 26, 27 या 28। तो अगर हम लोग बीच का एक मिडिल देखें तो 27 जो है वो बहुत अच्छा टेम्परेचर है। अब हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस मैं क्यों बोल रहा हूँ, या क्या मैंने रूल बनाया है कि 27 रखना है? नहीं, वो जो फिश है वो जिस रीजन में रहते हैं, उस वाटर कंडीशन का, जिस वाटर बॉडीज में रहते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, वही टेम्परेचर हम लोग रेप्लीकेट करते हैं एक एक्वेरियम में। गर्मी के सीजन में भी कभी कभी बहुत टेम्परेचर चला जाता है, तो उसको हम लोग कूल डाउन करके नॉर्मल एक टेम्परेचर में लाते हैं। तो ठंडे में डाउन हो रहा है तो हम लोग हाई करके नॉर्मल करेंगे, तो 26 डिग्री सेल्सियस फिश टैंक के लिए। अब क्या प्लांटेड एक्वेरियम अगर हमारे पास है, प्लांटेड एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें हम लोग लाइव प्लांट्स स्केपिंग, जैसे मेरे सारे स्टूडियोज में जितने भी टैंक्स हैं ये सारे प्लांटेड एक्वेरियम है, तो क्या प्लांटेड एक्वेरियम में भी 27 डिग्री रखना है? नहीं, उसमें हम लोगों को टेम्परेचर जो आइडियल बेस्ट कंडीशन में हमारा टैंक रहता है वह है 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मेरे टैंक्स का जो टेम्परेचर है, सारे टैंक्स का, ये 24 डिग्री सेल्सियस है, ना 23 ना 24, बीच का। उसी तरीके से हमारे फिश टैंक 27 डिग्री सेल्सियस जो है बीच का है और बेस्ट है, ना कम है ना ज्यादा है, शटल। तो हमने ये समझ लिया कि हमारे एक्वेरियम्स का, हमारे दो टाइप्स के जो एक्वेरियम होते हैं उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए। लोग बात करें कि हम लोग को हीटर और फैन अगर लगाना है तो वो कब लगाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम जिस शहर में रहते हैं उसका टेम्परेचर क्या है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल पर आप जस्ट डालोगे अपनी लोकेशन का तो वो टेम्परेचर आपको बता देगा। तो क्या वो जो गूगल बतला रहा है वो आपके रूम टेम्परेचर का बतला रहा है, एक्वेरियम का बतला रहा है टेम्परेचर? नहीं। तो वो हमें मेजर करने के लिए क्या चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए। थर्मोमीटर भी 2-3 तरीके के आते हैं, जैसे मेरे पास एक क्रिस्टल थर्मोमीटर है, ये सेंसर होता है, ये पानी के अंदर जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर बतलाना शुरू कर देगा। जैसे हमारा रूम टेम्परेचर इसमें अभी शो हो रहा है, आप लोग अगर दिख पा रहा हो तो 19.8 दिखला रहा है, तो ये हमारा इस हॉल का, हमारे इस स्टूडियो का टेम्परेचर है। इसी तरीके का एक आता है, आप लोगों को बहुत ही लोकल शॉप में, आप लोगों के एक्वेरियम शॉप में इस टाइप थर्मोमीटर मिलता होगा, येलो कलर का होता है और रेड कलर से वो बतलाते हैं।
प्लांट्स में अगर हम लोग चले जाए तो इस तरीके आता है, हुक में बना रहता है। ये मेनली हम लोग प्लांटेड एक्वेरियम में यूज करते हैं। तो बहुत सारे तरीकों का थर्मामीटर आता है, लेकिन आप लोग ये जरूर ध्यान में रखें कि बहुत लोग स्टिकर एक आता है जो स्ट्राइप की तरह रहता है, वो एक्वेरियम में लगा देते हैं, उसे टेम्परेचर इंडिकेट होता है, तो उस पर आप लोग बिलीव ना करें। क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं बतलाता, वो बस ऐसे ही फिजूल का पैसा वेस्ट है, उसमें आप लोग फोकस ना करें। 200-300 का ये थर्मामीटर आ जाएगा, डिजिटल थर्मामीटर, ये एग्जैक्ट बतलाता है कितना टेम्परेचर है, ये आप लोग इससे मेजर करो। या फिर ये ग्लास वाला जो आता है बहुत अच्छे ब्रांड का, अगर आप लोग ले लो, जैसे ये ADA का है, तो हम लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हमारे टैंक का कितना टेम्परेचर है। इससे अगर स्टूडियो की बात करें तो मेरे, अगर हम हीटर नहीं लगाते अपने एक्वेरियम में, तो टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या 15 डिग्री सेल्सियस अच्छा है एक्वेरियम के लिए? हम लोग ये समझ लेते हैं कि कितना टेम्परेचर प्रेजेंट टाइम में कितना है जो आपके एक्वेरियम के लिए अच्छा है या नहीं। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे एक्वेरियम का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब 15 डिग्री सेल्सियस क्या फिश टैंक के लिए अच्छा है? नहीं। फिश टैंक के लिए टेम्परेचर जैसे कि मैंने बताया 27 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री सेल्सियस बेस्ट होता है। अगर उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो फिश में या प्लांट्स में क्या इफेक्ट आते हैं? ये साइंस में पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर डाउन होता है, मतलब अगर ठंडा आता है, तो फिशेस के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। अब स्लो डाउन हो जाते हैं तो क्या होता है, फूड ऑब्जर्व नहीं करता, वो खाना कम कर देता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन है। अब क्या होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। एक्वेरियम में आप लोग नोटिस करोगे एक जगह जाकर बैठा हुआ है या फिर अच्छे से एक्टिवली घूम नहीं रहा है, एक ही जगह पे है, बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा है, वो जो कंडीशन है फिश का वो सही नहीं है। अगर 15 डिग्री होता है या फिर उससे कम होता है या फिर 20 के नीचे होता है या 20 के आसपास होता है, तो फिश टैंक की मैं बात कर रहा हूँ, फिशेज जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये जो 15 डिग्री सेल्सियस मेरे एक्वेरियम का है, ये प्लांटेड एक्वेरियम में बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर में प्लांट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा या देखा होगा कि जितने भी प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप जो प्रोफेशनल लोग करते हैं वो ठंडे में करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत का जरूरत नहीं होता, टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन रहता है, तो प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन हमारे फिशेज के लिए ये टेम्परेचर सही नहीं है। हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम लोग प्लांटेड एक्वेरियम में केवल प्लांट्स रखा है हमने? नहीं, फिशेस भी रखा है। तो ये जो फिशेस के लिए 15 डिग्री सेल्सियस सही नहीं, कि वो जो फिश है वो कहीं ना कहीं किसी नदी से या तालाब से या किसी भी रिवर से आए हुए हैं, तो उसका टेम्परेचर वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। अगर होता भी है तो रिवर का डेप्थ बहुत ज़्यादा रहता है, तो अपर लेयर में ऊपरी सतह पे अगर टेम्परेचर डाउन भी होता है, जैसे 10 डिग्री होता है, तो नीचे अगर वो फिश चला जाता है, मतलब एकदम बॉटम में चला जाता है रिवर के, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रहते हैं। लेकिन हमारे एक्वेरियम में इतना तो डेप्थ नहीं होता कि ऊपर बहुत अच्छा ठंडा हो नीचे गर्म हो, ऐसा तो होता नहीं है, उसमें सेम ही टेम्परेचर सारे एक्वेरियम के पानी का है। तो हम लोग 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज करेंगे और 22-23 के आसपास उसे ले जाएंगे प्लांटेड एक्वेरियम में। लेकिन फिश टैंक में हम लोग कितना ले जाएंगे? 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये समझ लिया कि कितने टेम्परेचर अगर आपके रूम में है, आपके शहर में है, तो उस पर फोकस नहीं करना है, आपको मेजर करना है अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर कितना है। ये आप लोग जरूर से जरूर रखें, कोई भी एक थर्मामीटर ले ले, ग्लास वाला ले ले या डिजिटल ले ले। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग डिजिटल वाला ही लें, बहुत अच्छा रहता है, अंदर एक्वेरियम के अंदर टिप रहेगा उसका सेंसर, और डिजिटल जो है जो स्क्रीन है वो एक्वेरियम के बाहर रहेगा, तो आप लोगों को रेगुलरली आप मॉनिटर कर सकते हैं कि एक्वेरियम के टेम्परेचर कितना हो रहा है। क्योंकि आप लोग अगर महंगे महंगे फिशेज ला रहे हैं तो उसको भी फोकस करना है, 100-300 के चक्कर में आप लोग अगर फिश को मार देते हैं या फिर मर जाता है या कुछ डिजीज हो जाता है, तो ज़्यादा बड़ा लॉस है 200-300 से। तो हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर रखना ज़रूरी है, स्टीकर वाला नहीं लेना है, ये आप लोग ध्यान में रखो। तो हमने एक थर्मामीटर ले लिया। अब हमें हीटर पे अगर हम लोग आए तो हीटर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हमने देख लिया, किस तरीके का हीटर होता है, क्या क्या वैरायटीज है हीटर में, कौन कौन से ब्रांड्स के आते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को सारे डिटेल्स में बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है अलग अलग ब्रांड्स के हीटर्स, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, कितना वोल्टेज कितना लीटर्स के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में सेपरेटली मैं बता दूंगा। तो अब हम लोग देख लिए कि टेम्परेचर डाउन हुआ तो हमने हीटर लगा दिया, उसे मॉनिटर करने के लिए हम लोग जो डिजिटल थर्मामीटर लिया है वो लगा लिया। हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हीटर लगाने से पहले हमने स्क्रीन में देख लिया कि टेम्परेचर कितना है,
हीटर लगाने के बाद, ऑन होने के बाद, आप लोग इस पर बिलीव ना करें, पर जब हीटर में होता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। हम लोग सस्ते वाले हीटर लेते हैं तो उसमें कोई भी एक्यूरेट नहीं होता। अगर आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर रहे हैं तो हो सकता है वो 30 डिग्री भी चला जा रहा हो। तो उसमें आप लोग थर्मामीटर है, ये हेल्प करेगा। तो हमें क्या करना है, पहले हम लोग डिजिटल थर्मामीटर लगाया, फिर हीटर लगाया। अब हीटर पर जैसे हमने 26 डिग्री सेल्सियस सेट कर लिया, लेकिन हमने देखा कि जब वो ऑटो कट हो रहा है और तो वो 30 डिग्री तक चला जा रहा है या 28 डिग्री तक चला जा रहा है, तो हम लोग मॉनिटर कर पाए कि जितना हमने सेट करा था उससे ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग 26 करा है तो उसको और कम कर लेंगे, मान लो 24 कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना हो रहा है। तो अगर उसके बाद 26 तक वो ऑटो कट हो जा रहा है तो वो एक आइडियल टेम्परेचर है हमारे फिश टैंक के लिए। सेम हम लोग प्लांटेड एक्वेरियम में भी करें, हम लोग थर्मामीटर लगाएंगे, हीटर लगाएंगे, फिर उसे मॉनिटर करते रहेंगे। और तो क्या हमारे फिशेस को कोई प्रॉब्लम आएगा तभी हम लोग हीटर यूज करेंगे? नहीं। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जैसे हम लोग अपने शरीर का, अपने फैमिलीज का जिस तरीके से ख्याल रखते हैं, मतलब क्या हम लोग को तबीयत खराब होने के बाद ही हम लोग स्वेटर या मफलर या टोपी पहनते हैं या कैप पहनते हैं? नहीं। ठंडा लगना शुरू होता है तो हम लोग ये पहनना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके अगर विंटर सीजन आ गया है तो हम लोग हीटर और डिजिटल थर्मामीटर या फिर एक थर्मामीटर हम लोग एक्वेरियम में लगा देंगे। वेट नहीं करेंगे कि फिशेस को कोई प्रॉब्लम हो गया तो ही हम लोग हीटर लगाएंगे या फिर कुछ मेडिसिन डालेंगे। मेडिसिन का तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थर्मामीटर लगाएंगे। तो विंटर आ चुका है, आप लोग हीटर जरूर से जरूर खरीद लो एक शॉप से। किस ब्रांड का लेना है, क्या लेना है, वो आप लोग ध्यान रख लो। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बतला देंगे जिसमें लोगों के लिए गाइडेंस हो जाएगा कि कौन सा हीटर लेना बेस्ट होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थर्मामीटर लगा लिया है, हीटर लगा लिया है और मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो क्या एक पानी का टेम्परेचर ही हमें मॉनिटर करना है? नहीं, हमें साथ साथ फिशेस को भी फोकस करना है कि क्या फिशेस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, इच का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, मतलब वो डल तो नहीं हो रहे, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। हमें वो सारी चीजें ध्यान रखना है कि समर में फिशेस बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इधर उधर स्विम हो रहे हैं, तो क्या उसी तरीके से विंटर में अभी ठंडे के टाइम पे भी उस तरीके से मूव हो रहा है? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। तो हमने आज सीखा कि अगर विंटर के सीजन आ रहे हैं हमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है विंटर सीजन में, अपने एक्वेरियम के लिए, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए और फिश टैंक के लिए। ये दोनों चीजें हमने समझ, मरीन टैंक है उसमें भी हीटर का जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो मरीन है तो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, उसमें भी हीटर का जरूरत पड़ता है। जिस तरीके से हमें ये दो टैंक का ख्याल रखा उसी तरीके से हमें मरीन टैंक का भी ख्याल रखना है। तो आई होप कि आपके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले हों, समझने को मिले हों। लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि अगर हीटर हम लोग को लेना है तो कौन सा हीटर लेना है, थर्मामीटर लेना है तो कौन सा थर्मामीटर लेना है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो किस तरीके से टैकल करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि मैं ये वीडियो छोटा बना रहा हूं ताकि आप लोगों तक पहुंच सके कि हमें ध्यान देना अब शुरू कर देना है। अभी दिसंबर चल रहा है तो हमें तो नवंबर में से ही ध्यान देना था, बट हम लोग लेट नहीं है, अभी भी हम लोग अपने टैंक्स को ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिले हो। अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन हो, कोई टिप्स हो या कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिलीज के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स भी डालता हूँ, फोटोज डालता हूँ, तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फॉलो नहीं करा है, तो प्लीज़ जाइए और फॉलो करिए। इसी खुशी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को या फिर संडे को। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, पीस आउट।